नमस्ते, मेरा नाम है रजत और दी लल्लनटॉप इस वक्त हरियाणा के पंचकुला ज़िले में है। पंचकुला में दो विधानसभा लगती है, एक पंचकुला और एक कालका। पंचकुला विधानसभा से जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है वो शख्स इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी, आपका बहुत। नाम है इनका चंद्र मोहन। इनके नाम के पीछे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी रही, लेकिन उससे पहले मैं इनकी थोड़ी और इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। 92-93 में पहली बारी चुनाव लड़ते हैं जब प्रदेश में भजन लाल की सरकार थी। भजन लाल जो रिश्ते में इनके पिता भी लगते हैं, 91 में चुनकर आते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं और 96 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। उन्हीं के दौर में 92-93 में जब कालका के प्रत्याशी, उनकी जब मौत हो जाती है तो ये वहाँ से उपचुनाव लड़ते हैं और वहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं। उसके बाद लगातार ये कालका से 4 बार विधायक बनकर आते हैं। और एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इनकी स्टोरी में, वो ये है कि जिस समय इनके पॉलिटिकल करियर का ग्राफ सबसे ऊपर जाता है, इनके पिताजी का कोइंसिडेंटली तब नीचे आ जाता है। 2005 में जब विधानसभा चुनाव हुए हरियाणा में, तब भजन लाल जी के फेस पर वो चुनाव लड़ा गया और कहा जा रहा था कि भजन लाल जी ही उस वक्त मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भजन लाल की जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं और चंद्र मोहन जी उस वक्त डिप्टी CM बन जाते हैं। सर, क्या वाक्य था उस दौर का कि भजन लाल जी का सोचा गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन वो नहीं बन पाए, ऐसा क्यों? देखिए, ये हाईकमांड का फैसला था और हाईकमांड ने कुछ सोचा होगा फॉर फ्यूचर पॉलिटिक्स, तो उनके फैसले को सभी को मानना था फैसला। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि कल उनका जन्मदिन, आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत मैं धन्यवाद भी करता हूँ। निश्चित रूप से मेरे फादर ने बहुत मेहनत की थी उसमें, हालांकि इनकी तबीयत पूरी ठीक भी नहीं रहती थी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से भी कहीं ज़्यादा, आई थिंक 67 सीट मिली कांग्रेस को जी। तो लेकिन कोई बात नहीं है, हम भी किसी की जगह बनाई थे। अच्छा, तीन साल तक ऐसा ही चलता रहता है और उसके बाद भजन लाल जी और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ये तय करते हैं कि वो हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाएंगे, HJC बनाएंगे। लेकिन जो शख्स मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं चंद्र मोहन, जो कि डिप्टी CM थे उस वक्त, वो कहते हैं कि वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे और हरियाणा जनहित कांग्रेस में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर कुछ साल बाद वो हरियाणा जनहित कांग्रेस में चले जाते हैं और इस बीच बहुत कुछ बीतता है जहाँ पर चंद्र मोहन चांद मोहम्मद भी बन जाते हैं। क्या वाक्य था सर, वो क्या था उस वक्त का प्रकरण? देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव षड्यंत्र होते रहते हैं इंसान के खिलाफ जी। जो कुछ नुकसान हुआ वो मेरा और मेरे परिवार का हुआ, मैंने जनता का तो कोई नुकसान नहीं किया जी। जनता के नुमाइंदे होने के नाते जो डेवलपमेंट वर्क तब थे, जो मैंने किए जी, उनका कंपैरिजन अगर पिछले 5 साल से आप करो जी, जो भी निकले हैं, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं जी, तो उनका 5 साल एक तरफ है, मेरा 5 घंटे या मैं कहूँ चलो 5 दिन लगा लो, वो एक बराबर है। तो 2009 में जब चुनाव हुए हरियाणा में, तब आपने चुनाव नहीं लड़ा? नहीं लड़ा। आप बिल्कुल गैप पे चले गए, आपको नहीं लगा कि आपकी कूला टूट गया था? अच्छा, मेरा कूला टूट गया था और मैं बेड रिडन था। मैं, उन्होंने मेरी वाइफ को ऑफर दी थी कांग्रेस ने जी, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बिल्कुल हाउस वाइफ है, हाईली एजुकेटेड है लेकिन हाउस वाइफ है, और उन्होंने मना कर दिया था जी। उसके बाद मेरे फादर की डेथ होने के बाद समाज का कह लीजिए, लोगों का जन भावना ये थी कि मुझे अपने भाई की मदद करनी चाहिए, तो जन भावना एक जन से मैं परमात्मा की आवाज़ मानता हूँ और होती भी है, वो पंच परमेश्वर है, हम उसकी भी बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट दे देता हूँ, क्योंकि अमूमन जनता की जो रिमाइंड करने की जो क्वालिटी होती है वो कम होती है, तो हर कोई रेफरेंस पॉइंट से जाना जाता है। 2008 में जो चंद्र मोहन मेरे साथ बैठे हैं वो चांद मोहम्मद बन गए थे, उन्होंने इस्लाम अपना लिया था, क्योंकि फिज़ा जो कि एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थी उनके साथ इन्होंने निकाह करने का फैसला लिया था, हालांकि कुछ टाइम बाद ही इन्होंने उनसे डाइवोर्स ले लिया था, जो कि तलाक ले लिया था। उसके बाद आगे जाकर 2014 में चुनाव होता है और चंद्र मोहन जी फिर से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और हर किसी को कहते हैं कि ताऊ तेरा छोरा वापस आ गया, मने अपना ले। नहीं, मैंने किसी को नहीं कहा तेरा छोरा वापस आ गया, मने अपना। ये बहुत हेडलाइंस छपी थी नलवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप चुनाव लड़ रहे, कोई कुछ भी छाप दे, मैंने आई नेवर सेड दिस थिंग, तेरा छोरा वापस आ गया मुझे अपना ले। अच्छा, छोरा तो कहीं गया नहीं था,
छोरा तो उनके बीच में था, आज भी छोरा बीच में ही है। मैंने किसी को नहीं कहा ये, वो तो वहाँ फैक्टर बाबा राम रहीम का चल गया था जी भारतीय जनता, वरना वहाँ से भी मैं थम्पिंग मेजोरिटी जीत गया था 2014 में। भारतीय जनता पार्टी को जीटी रोड पे और उस बेल्ट के अंदर कोई भी नहीं जानता था, एक भी इनका कार्यकर्ता नहीं था वहाँ पर। हरियाणा जनहित कांग्रेस की बदौलत ये गांव-गांव तक हमने इनको पहुँचाया, इन्होंने धोखा दिया हमारी पार्टी को। ये धोखेबाज लोग हैं, मैं कैटेगोरीली रिपीट करता हूँ इस बात को जी। और ये 46 सीटें इनकी आ गई, 46-47, जो आप अगर हरियाणा के इतिहास उठा के आप अगर देखें, इनका समझौता चौटाला साहब के साथ भी रहा है, बंसीलाल जी के साथ भी रहा है, टोटल इनका फिगर काउंट कर लो तो 45 बनता है। वो तो मोदी वेव भी थी कुछ, मोदी वेव प्लस बाबा राम रहीम जी दोनों को मिला के भी ये 47 तक पहुँचे हैं। आज ये 75 की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ 25 सीटें नहीं आती इनकी। चंद्रयान जिस प्रकार चंद्रयान 2 क्रैश लैंड हुआ जी, उससे भी बड़ा क्रैश लैंडिंग भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में होने वाला है। 2014 में चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी मेजॉरिटी में आती है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि बाबा राम रहीम जो कि सिरसा में उनका डेरा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बार वोट जानी चाहिए और बीजेपी जीत जाती है। उसी के बाद जो इससे पहले 2014 तक हरियाणा जनहित कांग्रेस थी, वो आगे जाकर अगले जब लोकसभा चुनाव होने थे 2019 के, जो कि बीते कुछ महीने पहले ही थे, उससे पहले ही वो डिसॉल्व हो जाती है कांग्रेस में वापस। लेकिन मुझे आपका एक बयान याद आता है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि वो ठीक था या नहीं, कि जब आपके पिताजी अपने बिल्कुल अंतिम दिनों में थे तो आपने उनसे वादा किया था कि मैं अपने छोटे भाई कुलदीप को CM बनाकर रहूंगा, क्या ये सही था? मैंने ये भी कहा था मैं बीजेपी को चिमटे से टच भी नहीं करूँगा, मैं इस बात पर कायम हूँ। और ये मैंने अपने पिताजी की समाधि पे जब मैंने ज्वाइनिंग की थी जी, तो मैंने कहा था कि मरते दम तक जी, जब तक SJC है, छोटा भाई बेटे के बराबर होता है, उसको मैं बना के रहूँगा और मैं अपनी किसी भी बात से पीछे नहीं हटता कभी। जो मैंने कहा है मैंने कहा है, जो मैंने नहीं कहा वो नहीं कहा। ये मुझे एक और आपका बयान याद आ रहा, आपने कहा था आई एम अ मैन ऑफ कमिटमेंट, है ना, पोजीशंस कम एंड गो, पोजीशन आती है और जाती है लेकिन मैं अपने कमिटमेंट वाला व्यक्ति हूँ, क्या आज भी उसी चीज़ पर खड़े उतर रहे हैं? मैं आई एम अ मैन ऑफ कमिटमेंट, इसलिए लोग मुझे 4 बार जिता गए यहाँ से, क्योंकि मैं झूठे वादे कभी नहीं करता, जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ। मेरे को अपने पिताजी के शासनकाल में सिर्फ 2.5 साल काम करने का मौका मिला जी, पंचकुला को डिस्ट्रिक्ट बनाया, यहाँ पे कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितने सिंचाई के ट्यूबवेल लगे, कितने पानी के ट्यूबवेल लगे, कितने ITI लगी, कितनी पॉलिटेक्निक खोले, कितने कॉलेजेस खोले, कितने गांव में सड़कें बचाई जाने चाहे, वहाँ 50 घर भी थे, 40 लोग भी रहते दो थे, तो भी 4-4, 5-5 करोड़ की सड़कें हमने वहाँ पर पहुँचाई। देश की मैं कहूँगा कि देश, तब लोगों ने मुझे वहाँ के कहा मोरनी के भाइयों ने, हमें आज महसूस हो रहा है कि देश आज़ाद हुआ है जी। आदमपुर से भजन लाल जी चुनाव लड़ते रहे थे और उन्हीं का वो गढ़ माना जाता था, और एक चीज़ उनके माना नहीं जाता है। नहीं, भजन लाल जी का, अब आगे कुलदीप जी उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उनके नाम पर, तो तब ये कहा जाता था कि भजन लाल जी ने वहाँ पर हर घर में हर किसी को नौकरी ज़रूर दिलवाई, जिसकी वजह से लोग आज तक उनके शुक्रमंद हैं। क्या यही वजह थी कि आपकी और पिछले बार जो 2014 का चुनाव होता है उसमें जीत का अंतर महज 7,000 वोटों का रह गया था? किसका? आपका। आप 7,000 वोटों से हारे थे लगभग पिछली बारी, तो क्या वो डिफरेंस और किसी तरीके से कम हो सकता था? लोग, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें यही दिख रहा था कि चंद्रमोहन जी को प्यार मिलेगा खूब, लेकिन वो तो लास्ट 2 डेज में जब वहाँ से फरमान जारी हो गया था, अच्छा, तो इलेक्शन पलट गया, वो एक अलग बात है। और वो उसका ओल्ड आदमपुर नहीं कह सकते, उसमें बहुत से 25-30 ऐसे नए गांव थे जो बिल्कुल बोहानी खड़ा हल्का जो ज्वाइन उनके साथ क्लब हुए थे जी। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल गम नहीं है, वहाँ के लोगों ने मुझे तकरीबन 40,000 वोट दिए जी, और मैं वहाँ से अगर हार भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा बड़े बड़े नेता लोग भी हार जाते हैं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और मुझे वो समय मालिक के साथ बिताने का, मालिक की बंदगी में, परमात्मा की पूजा में, हवन यज्ञ करने में का वक्त मिला। अच्छा, ट्रिब्यून में बीते दिनों, द ट्रिब्यून अखबार, उसमें बीते दिनों एक खबर छपती है जिसमें कहा जाता है कि हुड्डा खेमे के 59 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, शैलजा खेमे के 12
और किरण चौधरी के 5, बाकी कुछ एक सुरजेवाला के हिस्से, कुछ एक तंवर के हिस्से। आप किस खेमे से आए हैं? देखिए, आपके हाथ में कलम है, जो मर्जी छाप दो। मैं तो कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का टिकट मुझे मिला है। अच्छा, आज ही जब हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तभी दिन में ये चर्चा उठी और फिर उसके बाद ट्वीट भी हुएगी। अशोक तंवर जो स्टेट के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। कैसे देख रहे हैं आप कांग्रेस को स्टेट में? देखिए, मैंने आपको कहा कांग्रेस की 65 सीटें मिनिमम आएंगी इस बार, तो आएंगी। अच्छा, तो फिर अगर कांग्रेस का इतनी आपको पकड़ दिख रही है स्टेट में, तो वो लोकसभा में क्यों नहीं दिख पाई? नहीं, वो मुद्दे अलग, राष्ट्रीय मुद्दे कुछ अलग होते हैं, स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, MC के इलेक्शन में अलग मुद्दे होते हैं, सरपंची में अलग होते हैं, जिला परिषद में अलग होते हैं। जी, तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है हमारे कंट्री में। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर आज धूप है, आपको क्या गारंटी है कल भी धूप रहेगी? बारिश नहीं आ सकती कल। जी, चंद्र मोहन जी पंचकुला से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो 4 बार कालका से विधायक रहे हैं। इस बार पंचकुला चुनने का क्या वजह रही? देखिए, मेरे लिए दोनों आंखें बराबर हैं, आपको भी अपनी दोनों आंखें प्यारी होगी। पहले पंचकुला वाज अ पार्ट ऑफ कालका। जी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कालका हो चाहे पंचकुला, अब भी मैं दोनों हलकों की ही सेवा करूँगा। और कालका में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप कुमार जी, वो इससे पहले आपके साथ चुनाव लड़ते रहे हैं, आपने उन्हें हर बार पटखनी दी है। 2009 में आपने चुनाव नहीं लड़ा तो वो जीत गए थे, INLD से चुनाव जीते थे, और 92-93 से ही INLD की तरफ से ही चुनाव लड़ते थे, आपने उन्हें हर बार हराया। इस बार आप ही की टीम में शामिल होकर वो कालका से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है उनका चुनाव लतिका शर्मा के खिलाफ? अच्छी बात है, वो राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। और ही इज अ नाइस पर्सन, एज ए पर्सन अच्छे इंसान है वो जी। और मुझे पूरा यकीन है कि अच्छे मार्जिन से विक्ट्री हासिल होगी उनको जी। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि आपने बताया कि भजन लाल जी का कल जन्मदिन है और भजन लाल जी को माना जाता था कि वो स्टेट की राजनीति के साथ साथ नेशनल जो सत्ता में पार्टी आती थी वो रुख पहचानने में बड़े काबिल थे और उन पार्टीज बनाने में, गठबंधन कराने में, लोगों को मनवाने में उनको एक खास काबिलियत थी उनमें, ये क्या आप उनसे जुड़ा कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे अपने बचपन का, या कोई राजनीति से इतर या राजनीति का उन्होंने कुछ उनसे इतना कुछ सीखा? अगर मैं शेयर करने बैठ जाऊँ सवेरे हो जाए। कोई भी एक किस्सा जो आपके जहन में सबसे पहले? किस्से सारे, मैं कौन सा, आई कांट पिक एंड चूज कि मैं सिमिलरली ये केस आपको कोई खास किस्सा बता सकूँ। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है और जब तक आदमी जीवित रहता सीखता रहता है। आपसे आखिरी सवाल, हरियाणा के 3 लालों का बहुत जिक्र होता है, बंसी लाल, देवी लाल और भजन लाल। बंसी लाल परिवार से उनकी पुत्रवधु किरण चौधरी उनका वर्चस्व आगे बढ़ा रही हैं, और देवी लाल जी जिनके आगे चौटाला जी ने चुनाव लड़े और अब वो आगे बढ़ते बढ़ते उनके जो पोते हैं वो INLD और JJP में बदल चुके हैं, उनकी पार्टी को आप कैसे देखते हैं? देखो, मेरे देखने ना देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सवाल ये उठता है कि जनता किस नज़र से देखती है जी। ये तो 24 तारीख को फैसला होगा। आप फिर भी लोगों के बीच में घूमते हैं, आप उनकी पार्टी का कितना स्कोप देखते हैं? मैंने आपको कहा ना, मैं मेरे स्कोप देखने ना देखने से क्या फ़र्क पड़ता है जी। मेरे को तो इतना दिखता है कि मेरी हमारी कांग्रेस पार्टी की 65 सीट आएगी, बाकी बची सीटें में कुछ BJP ले जाए कुछ वो ले जाए, मुझे क्या अंतर पड़ता है। हमने 2 लालों का जिक्र कर लिया, आखिरी बचे थे भजन लाल। भजन लाल के परिवार से वो वर्चस्व किस तरह और कैसे आगे बढ़ेगा, कुछ रणनीति है? ये सब मालिक के हाथ में है, हु नोज द फ्यूचर। आपको वो अगली सांस का मालूम नहीं है, तो आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं। चलिए सर, शुक्रिया आपने हमें समय दिया और आप दी लल्लनटॉप के साथ जुड़े। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप.com। मेरे साथ है रूहानी पंचकुला से। शुक्रिया।